और रिवर्स आके बच जाए सेंटर में। फाइनली अपनी जैकेट इज इन आवर हैंड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर से ठीक ठाक मजे में होंगे और आपका आज का दिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से अच्छा बेहतरीन पप्पू जी समझ आ रहा हो। तो जी बात करें अपने दिन की, अपना दिन जो जिस तरह आप लोगों ने लास्ट व्लॉग देखा होगा, भाई आपका सुबह आ रहा है तकरीबन 8:30 बजे घर पहुँचे, घर आए आते भाई बिस्तर में पड़े और सोने वाली की है, उठे जी 2:15 बजे कुछ गेस्ट आए थे, गेस्टों से फ्री होके उसके बाद जनाब आपके भाई ने फिर सोना सा नाश्ता किया अधवाने का, वाटरमेलन खाया। उसके बाद फिर ख्याल आया कि मैंने ये सुबह, क्योंकि जब हम कल लास्ट व्लॉग में हम घर आए थे तो मैंने इसको नीचे से उठा के इधर टेरेस पे रख लिया था ताकि इसको धूप छुप लग जाए। इसको धूप लग गई, अलबत्त जब हम सुबह उठे तो वालदा ने बताया कि भाई हल्की हल्की बारिश भी थी, इसके ऊपर कतरे भी क्यों पड़े, लेकिन क्योंकि पेंट हमारा ड्राई हो चुका हुआ था तो बचत हो गई। गेम अच्छा रहो, एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है। फिर हमारे पास वाइट स्प्रे पड़ा था जो कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, तो उसमें थे हमारे जो कुंडे थे जो इसके हम लोग बोले लॉक्स हैं, जो कुंडे जिनको कहते हैं देसी जबान में, उनको हमने दोबारा से एक कोट और लगाया स्प्रे का। उसके बाद फिर हम लोग इसकी तरफ आए, इसकी सफाइयाँ की हैं, ब्रश ब्रश लगा के डस्ट हटाइए, फिर गीला कपड़ा लगाया, ड्राई कर लिए। उसके बाद जनाब अंदर की तरफ आ रहे थे कि वाइट का पेंट स्टार्ट करते हैं, स्प्रे ख़त्म हो चुका है, फिर लोग ये पार्ट हो गए, बॉर्डर हमने कर ली है कि चलो ड्राई हो जाए, उसके बाद हम इसको इजीली बंद कर लेंगे। फिर 2-3 स्प्रे की बोतल लाते हैं और इसको स्प्रे से ही गुड करते हैं। अच्छा लग रहा है वाइट, आप चेक करें इधर, तो ये चेक करें जी, वाइट हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है बाहर, आपका एक्वा कलर आ रहा है उसके साथ, बड़ा अच्छा कॉम्बो जा रहा है। खैर आज का व्लॉग स्टार्ट करने का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन क्योंकि हमने आज केक के भी ऑर्डर के लिए जाने हैं, वो भी हम पता करेंगे, फिर वक्त असर होगी, असर के जाने होगी, और मेरा व्लॉग जहाँ से स्टार्ट हो रहा है बॉक्स को हमने देख लिया, रात वाले ही कपड़े शपड़े पहने हैं, गेस्ट आए थे तो ज़रा पप्पू से तैयार हो गए, उसके बाद पेंट करना था, सफाई करनी थी, तो हमने लास्ट जो कपड़े पहने थे वही ड्रेसअप किया। और आपके भाई के आज भी गोरे छुट्टे हो गए, चेक करें, वीडियो यहाँ पर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया हुआ, और कमेंट करके अपनी राय से आगाह भी कर सकते हैं भाई को, अच्छे कमेंट करें, नेगेटिव ना करें, पॉजिटिव कमेंट करेंगे मोटिवेशन मिलेगी। अच्छा हमको सिखा रहा है, बाकी नेगेटिव करेंगे तो आपको खुद गुनाह मिलेगा, अच्छे करेंगे तो आप कंफर्म जन्नती, कंफर्म जन्नती है, कंफर्म जन्नती है। खैर तो इसके साथ ही देखते हैं फिर आगे क्या मामला है, फिर वक्त इसको यहाँ पे छोड़ते हैं, ड्राई होता है। हाँ आज आपके भाई शेव भी करेगा, बहुत बुरा हाल है, लाजमी करेंगे, सो स्टे ट्यून, ओके दैट्स ऑल टिल नाउ, आगे के मामला बताते हैं। तो गाइस अभी आवाज़ सुनना, क्या खूबसूरत आवाज़ है, बारिश गोइंग टू हैपन, और जो उसके साथ गाड़ी की हमने कराई है सर्विस, गुड सीन्स हो गए। तो जी खैर यहाँ पे आपसे बात करनी थी कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा गाड़ी है, रात को घर आई है और इसका बम्पर किनारे से बम्पर जो है बाहर निकला है, उसकी क्या वजह थी तो वो आपको बताते रहते हैं। ये छोटा भाई गाड़ी लेके गया था, कहता मैं गाड़ी खड़ा हूँ, तो पीपल सीन्स ऐसे हुए हैं कि गाड़ी भाई गाड़ी में बैठा हुआ है और कहता मैं गाड़ी खड़ी है, तो जूस पीने बैठा हुआ क्योंकि आगे गाड़ी मेहरान थी, मेहरान वाला खड़ी गाड़ी पे रिवर्स आया और रिवर्स आके बज जाए सेंटर में। अब सेंटर पे बजने से क्या हुआ जी, हमारा ये मोनोग्राम भी क्रैक कर गया, अगर आपको नज़र आ रहा ये यहाँ से ये किनारे, अब ये मोनोग्राम भी 5,000 रुपये मांग रहे हैं, तो हर चीज़ के रेट चढ़े हैं। उसके अलावा जी इधर से हिट हुई है तो ये, क्योंकि बम्पर जैसे कि आप लोगों को पता है ताइवानी है, तो जनाब ये बम्पर यहाँ से भी उखड़ गया, पर ये क्रैक कर गया, यहाँ से क्रैक कर गया,
किनारों से बाहर आ गया था, वो फिक्स कराया है। ये मामला आते हैं, ये बम्पर की गेम हमारे साथ तकरीबन डेली का काम बन गया है। हर दूसरे तीसरे दिन बम्पर और फ्रंट बम्पर ही लग रहे हैं। तो सोचा हुआ है इंशाल्लाह ये बम्पर उतरवा के इस पर एक दफ़ा ही अच्छा सा बम्पर डलवाएंगे। तो अगर थोड़ा सा जो इसकी किट्स वगैरह आती हैं बॉडी किट वाला, वो वाला बम्पर डलवाएंगे, टाइप आर का या म्यूजियम का आप कह लें। तो वो आजकल तो उसके प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, 75-78,000 का सिर्फ फ्रंट का बम्पर है। और क्योंकि मार्केट में शॉर्ट है, इम्पोर्ट भी नहीं है, तो जिनके पास है वो लाख प्लस सवा लाख के करीब भी इसके सिर्फ फ्रंट बम्पर के, वो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं आपको पिक्चर्स भी शेयर कर दूँगा, यहाँ पर पिक्चर भी लगा दूँगा। तो खैर उसका तो एक बहुत दूर का स्टेप है, लेकिन फिलहाल इसको ही अब मैं आइडिया लेके आया हूँ। और वो आइडिया कुछ इस तरह है कि मैं सोच रहा हूँ, और मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आप लोग कमेंट में लाजमी बताइएगा कि इसका हम जो बम्पर हो गए, फेंडर्स हो गए, बोनट, तो मैं इसका सोच रहा हूँ प्लान बना रहा हूँ कि इसको क्यों ना रैप करा लिया जाए। फिर बम्पर शम्पर तो खैर क्रैक श्रैक है, जिस तरह आप ये देख रहे हैं, ये भी हमारा रिपेयर हुआ है, जिसके वजह से निशान नजर आ रहा है, तो इसको भी हम रिपेयर कराते हैं। रिपेयर हुआ है, इसको क्यों ना रैप करा लिया जाए, रैप की तरफ जाया जाए। रैप खैर फुल गाड़ी का तो मैं नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ यूनिक सा आइडिया आ रहा है, वो जो हम करेंगे तो आपको दिखाएंगे। इलेक्ट्रिक ब्लू कलर बहुत पसंद है, हो सकता है अगर रैप कभी कराया तो हम लोग उसकी तरफ जाएँ, यहाँ देखेंगे जो अच्छा लगा। फिर लोग कि गाड़ी शाड़ी सर्विस कराई हुई है, गाड़ी अब देख रहे हैं माशाल्लाह, बड़े अरसे तराज बाद निहारी है। कंपाउंड की ज़रूरत है गाड़ी को, वो हम डिटेलिंग कराएंगे या स्टूडियो से किसी या घर पे बुला के लड़कों को, तो उनसे करवा लेंगे। बाकी क्योंकि बारिश साथ ही होने वाली है, बारिश के भी इम्कान पहुँचे हैं, गाड़ी शेड की चाहिए हमने लगा के रखी है, तो इसको बाहर नहीं निकालेंगे। बाकी ख़त वगैरह करवाना है, उसके लिए जाएंगे तो दूसरी अपनी छोटी गाड़ी आती है, तो फिर उस पर निकलेंगे। दोस्तों से भी मिलना है, दोस्तों से मुलाकात करेंगे। तो आज बस ये बम्पर के काम करवाए, और वो भी आपको व्लॉग में नहीं चेक करा सके, हमने बम्पर एडजस्ट कराया, पूरा बम्पर खुला है प्रॉपर, उसको जो उसके स्पेसर्स होते हैं उस पर फिक्स करके बैठाए, उसके बाद गाड़ी को सर्विस करा ली। तो जब हमने आज अपना ट्रेजर बॉक्स जो था वो भी उठा के सीढ़ियों में रख दिया, ताकि बारिश से बच जाए। उस्ताद बड़ी डांटी बारिश लग रही है, चेक कर बंदा भीगने खड़ा है, फुल मॉल पे, मॉल में लगा हुआ कह रहा है बेबी बड़ी ठंडी बारिश हो रही है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, माशाल्लाह। बारिश हो रही थी, घर के अंदर काम शाम कर रहे हैं, और ये कुंडे जो इसके यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, साथ में हमारे हेल्पर भी आए हुए हैं, राज साहब भी जो मौजूद हैं, वो जो दबाइयाँ फेर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जी इस बेहतरीन मौसम के साथ, इस खूबसूरत मौसम के साथ जनाब बाहर निकल जा चुके हैं, तो जाएंगे अपना खर्चत कराते हैं और फ्रेंड से मुलाकात कर लेते हैं। हेयर एंड बार्बर्स यहाँ पे हसन भाई भी हमारे साथ हैं, इनके भी आप बाल देख रहे होंगे, उजड़ा चमन बने। प्यारा से करके ये हमने मुझे बनाई है, देख सकते हैं। कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? तो भाई लोग अपना खच्चत हो गया एकदम एक नंबर, और जो मेन चीज अपनी जैकेट मिल गई जनाब, फाइनली वी फाउंड आवर जैकेट। ये हसन भाई की मेहरबानी, उन्होंने ये सोफे के नीचे डगा कर रखी थी, ये खजाना खोल के दिए भाई जान। अगर किसी और भाई का कुछ रहता तो यहाँ पर चेक कर ले, मेरी जैकेट मिल गई है, इतनी खुशी मुझे। ये मेरे दिल के बहुत करीब है सर, शुक्रिया। तो ये गर्मियों में मिली है, लेकिन हम अगली सर्दियों में पहनेंगे दोबारा। तो फाइनली अपनी जैकेट इज इन आवर हैंड, पढ़ते हैं जिसको गुड्डी, अपना ख्याल रखना, अगली सर्दी में तुम्हें पहनने अपना ख्याल रखना। तो पता नहीं भाई नॉर्थन छोड़तन जाए जाके इस्तेमाल करें। ये भाई जान फुल गाने की फीलिंग ले रहे हैं, फुल
किस चीज के दुख है? गाने का मजा लो यार। जनाब यहाँ पे पंजा लग रहा है, जो जीतेगा वो फ्री का खाएगा। अब आगे ये चीज़ें लगती हैं, थोड़े यहाँ से आम जो है।